হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। নিয়ে চলে এলাম আমাদের আরেকটি নতুন ভিডিও। আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের যে ভিডিওর প্রথম পার্টটি আপলোড করেছিলাম, এটা হলো তার দ্বিতীয় পার্ট। দ্বিতীয় পার্টে আমরা কী কী দেখব? আজকে সারাদিন আমরা আগ্রা ফোর্ট ঘুরব এবং তারপর যাব তাজমহল। চলুন এখন ধীরে ধীরে আমরা আগ্রা ফোর্টের জন্য রওনা দিই। এখন মোটামুটি আমরা সবাই রেডি হয়ে হোটেলের নিচে ওয়েট করছি, যাতে সবাই একসাথে আসি, তারপরে এগিয়ে যাব আমরা আগ্রা ফোর্টের দিকে। আমরা অলরেডি আগ্রা ফোর্টে পৌঁছে গেছি। এই সময়টা ছিল প্রচণ্ড গরম, কিন্তু তার মধ্যে ঘোরার একটা আনন্দতে গরমটা আমাদের লাগছিলই না। আমরা ধীরে ধীরে যেখানে গাড়ি পার্কিং হয়েছিল সেখান থেকে চলে গেলাম আগ্রা ফোর্টের দিকে। আমার পিছনে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আগ্রা ফোর্ট। আগ্রা ফোর্টে যাওয়ার জন্য আগে কিন্তু আমাদেরকে টিকিট কাটতে হবে। তো টিকিট মূল্যগুলো একবার আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। টিকিট কাউন্টার ওইখান থেকে বুকিং কাউন্টারে কেটে আপনাদের আগ্রা ফোর্টের ভিতরে যেতে হবে। আর ওইখানে আমাদের হুইল চেয়ার, যারা দুর্বল তাদের জন্য হুইল চেয়ার রয়েছে এবং একসাথে দিক দিয়ে যাওয়া যেতে পারে। টিকিট পেয়ে গেছি আমরা আগ্রা ফোর্টের উদ্দেশ্যে। এই টিকিট নিয়ে আমরা এখন ভিতরের দিকে প্রবেশ করব এবং এখানে এসে আমি অবশ্যই বলবো আপনারা একজন এই যে গাইড নিয়ে নেবেন। আমরাও এখানে এসে একটা গাইড ঠিক করে নিলাম এবং সেই গাইডের পথ নির্দেশ মেনেই আমরা আগ্রা ফোর্টের ভিতরে গেলাম এবং আগ্রা ফোর্টের যে বিভিন্ন ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক যে বিভিন্ন তথ্য সেইগুলো আমরা কিন্তু এই গাইডের কাছ থেকে জানলাম। অলরেডি আমার সমস্ত স্টুডেন্ট আগ্রা ফোর্টের ভিতরে চলে এসেছে। আমরা ওই ওপর দিকে যেখানে আগ্রা ফোর্টের এন্ট্রি জায়গা সেখানে গিয়ে সবাই দাঁড়াবো এবং সেখানে গিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের যে গাইড যেরকমভাবে যে তথ্যগুলো বলবে সেগুলো আমরা শুনবো এবং আগ্রা ফোর্টের টোটাল ভিউ এবং আগ্রা ফোর্টের সৌন্দর্য ভাস্কর্য সবই দেখবো এবং আপনাদেরও দেখাবো। তার সাথে সাথে থাকবে গাইডের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ। চলুন শুনে নেওয়া যাক গাইড এখন কি বলছে। जनरेशन बाई जनरेशन 1565 में अकबर ने आगरा फोर्ट को शुरू किया, 60 में औरंगजेब ने कम्प्लीट। ताजमहल देखा है आप लोगों ने या जाएंगे? जाऊंगा। ताजमहल जाएंगे ना, वहाँ पर जो आने जाने का गेट है वो तीन है, ईस्ट वेस्ट साउथ, क्योंकि शाहजहां के तीन बेगम थी, तीन वाइफ, इसलिए तीन गेट अलग अलग वे पे बने हुए हैं। लेकिन आगरा फोर्ट रहने के लिए होता था, ताजमहल मकबरा था, कोई रहता नहीं था वहाँ। अगर यहाँ ज्यादा गेट बनाते तो दुश्मन कहीं से भी अंदर घुस जाता, इसलिए सिंगल एंट्री एग्जिट है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, घूमकर यहाँ से ही बाहर निकलेंगे। मुगल टाइम में अगर कोई दुश्मन बाहर से बचकर यहाँ तक आता था तो उनको रोकने के लिए मुगल सैनिक क्या करते थे, ताली बजाते थे। इस तरह ताली का जो आवाज है इको होता है, क्योंकि दीवार का हाइट ज्यादा है, तो आवाज इको होने के बाद मुगल जो सोल्जर होते थे पीछे होते थे दीवारों के। ये नालियां बनी है ना, इसमें यहाँ से गरम गरम तेल फेंकते थे। गरम तेल फेंकने से क्या होता था, पूरा ऑयली हो जाता था रैम, तो दुश्मन स्लिप होकर गिर जाता था। और वो रेड वाला गेट दिख रहा है बड़ा वाला, वहां से बड़े बड़े स्टोन के रोलर्स को रोल डाउन करते थे, तो रोलर स्पीड में आने से दुश्मन दब जाते थे। मतलब से ये बना है, ये पत्थरों में कटिंग पहले से है, क्योंकि पहले कार नहीं थी, हॉर्स कैमल, आने जाने में स्लिप ना हो ग्रिप बनाने के लिए। आगरा किला ताजमहल से 5 times बिगर है। 94 एकड़ में पूरा फोर्ट बना है। राइट साइड में आप लोग घूमेंगे, लेफ्ट साइड में नहीं घूमेंगे, क्योंकि लेफ्ट एरिया में जो है वो आर्मी है। मुगल टाइम में यहाँ मुगल आर्मी रहता था, बाद में आगरा फोर्ट को ब्रिटिश ने कैप्चर किया, उनका आर्मी, अभी अपना इंडियन टाइम में इंडियन आर्मी है। मतलब 75% पार्ट आर्मी का है, 25% पार्ट आप लोग घूमेंगे जहाँ मुगल टाइम के पैलेस है, 25% पार्ट राइट साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में रिवर होती थी, तो रिवर की वजह से सारे पैलेस बनाते थे ताकि जो गर्मी है उसमें ठंडक रहे। पहले इतना गर्म वेदर नहीं होता था, लास्ट टेम्परेचर 25 होता था, क्योंकि रिवर पास था, फ्रीज ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम था, पॉल्यूशन नहीं था, तो 25 टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाता था। अब टेम्परेचर जाता है 48, तो अब गर्मी ज़्यादा होता है। पहले गर्मी नहीं होता था, पहले ठंडी ज़्यादा होता था। ये जो ब्रिक्स है ये उस टाइम पंजाब से आती थी, वहाँ बोलते हैं नानक ब्रिक्स, यहाँ बोलते हैं लाखौरी। पूरा ताजमहल आगरा फोर्ट अंदर से ये ब्रिक से बना है, लाल पत्थर और मार्बल को ऊपर लगाते थे टाइल की तरह फिनिशिंग के लिए। ताजमहल भी अंदर से ईंटों का बना है, सब ब्रिक्स, ऊपर मार्बल है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको छाऊ में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो फोटो पॉइंट है मैं बता दूंगा, ठीक है? आइए।
আমাদের গাইডের কথা অনুসারে আমরা ধীরে ধীরে আগ্রা ফোর্টের ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং তার কথাগুলো শুনতে থাকলাম। এখানে আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমরা প্রত্যেকে ব্যাগ এনেছি, কিন্তু ব্যাগের মধ্যে কোনো ধরনের খাবার বা অন্যান্য কোনো সন্দেহভাজক জিনিস যদি আপনার ব্যাগে থাকে, সেগুলো টিকিট কাউন্টারের পাশে আর একটা কাউন্টার রয়েছে, সেখানে আপনি সেগুলো জমা দিয়ে এই আগ্রা ফোর্টের ভিতরে কিন্তু প্রবেশ করতে পারবেন। চলুন আস্তে আস্তে এই গাইডের কথা শুনে আমরা আগ্রা ফোর্টের আরও বিভিন্ন তথ্য শুনে নিই। সালিম কা জি, থোড়া পাশ আ যাও না, ফির আপ ইতনা তো আকবর ওর জোদা ভাই কা বেটা। সালিম, সালিম কে জো মামা থে রাজা মান সিং, জয়পুর মে আমির ফোর্ট বানায় না, হ্যাঁ, জোদা ভাই কা ভাই রাজা মান সিং নে বানায়া। সিং জাহাঙ্গীর জব ছোটা থা না, 10 সাল কা বাচ্চা, তো এই বিচ মে আপনে দেখা বড়া সা বাথটব রাখা হ্যায়। ইয়ে জাহাঙ্গীর কা বাথটব হ্যায়, হিন্দি মে বলতে হ্যায় স্নান কুন্ড, উর্দু মে বলতে হ্যায় হজ। ইসকো রাজা মান সিং নে গিফট কিয়া, জাহাঙ্গীর 8 সাল কা 10 সাল কা থা জব। জাহাঙ্গীর জব 10 সাল কা থা, ইয়ে মহল কে অন্দর রাখা হোতা থা বাথটব, গুলাব জল সে নহাতা থা জাহাঙ্গীর ইসমে। লেকিন ইয়ে বাথটব আধা গ্রাউন্ড মে থা আধা বাহার থা। ব্রিটিশ রাজা মান সিং নে গিফট কিয়া থা, इसके अंदर पूरा गोल्ड लगा होता था 50 kg। ब्रिटिश आया, गोल्ड को काट के निकाल लिया, पैलेस को तोड़ दिया अंदर से। लेकिन पैलेस को अंदर से तोड़ने के बाद ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां से उठाकर बाथटब को यहां रख दिया। ये बाथटब वाला कैसे बनाए, ये पूरा बाथटब एक बड़ा सा पहाड़ काट के बनाया सिंगल पीस में। इसका जो वजन है 3000 kg है। ये जहांगीर का बाथटब है, समझ आया आप लोगों को? इसको बाद में यहाँ है पैलेस रहने के लिए, कमरा जो मतलब वो होता है, कमरा रूम होता है, ये पैलेस है, महल बंगाल में दुर्ग कहते हैं। तो ये लाल पत्थर जितना भी आता था फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर दूर है वहां से आता था, और अंदर में आप देखेंगे बहुत सारा महल मार्बल का बना है, व्हाइट मार्बल का, मार्बल जो आता था मकराना राजस्थान से। ये सामने का दीवार दिखा आपको, 70 feet का दीवार है ये। लेकिन हम लोग ऊपर आ गए ना तो हाइट कम लग रहा है, अभी हम लोग ऊपर चढ़कर आए ना, आर्च में सोल्जर खड़ा होते थे एरो लेकर, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद फोटो ले लेना, क्योंकि कुछ लोग आपके एक्सप्लेन के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, आप वहाँ आपस में बातें कर रहे हैं, फिर आप बोलोगे दोबारा। এরপর আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম এই আগ্রা ফোর্টের অন্দরমহলে। সত্যি এই আগ্রা ফোর্টের অন্দরমহলের যে কারুকার্য এবং ভাস্কর্য তা কিন্তু অপূর্ব সুন্দর, চোখ ধাঁধানো ভাস্কর্য। এখন যেটা দেখছেন এটা একটা ছাদের ডিজাইন। এই ছাদের ডিজাইনে আগেকার দিনে নাকি এখানে লাগানো ছিল বিভিন্ন মণি মাণিক্য সোনাদানা প্রভৃতি জিনিস, কিন্তু পরবর্তীকালে সেইগুলো সব বিনষ্ট হয়ে গেছে বা অনেক কিছু অনেকে চুরি করে নিয়েছে, কিন্তু তাও তার যে মূল ভাস্কর্য তা কিন্তু অবশ্যই অকল্পনীয়, অতি সুন্দর। এরপরে ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে গেলাম এই আগ্রা ফোর্টের নহবতখানার দিকে। সেই নহবতখানা নিয়ে কিছু শুনে নেব আমার স্নেহা স্টুডেন্ট শাহানুরের থেকে। একদম ভিতরে চলে এসেছি মহলের। এখানে আমরা এই যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলে নহবতখানা। তো সম্রাট যখন এখান থেকে প্রবেশ করতো এই নহবতখানা দিয়ে ফুল ছড়া হতো, তাকে অভিবাদন জানানো হতো। চারিদিকটা খুবই সুন্দর, ভাস্কর্যে ঘেরা, মুঘল এবং আমাদের ভারতীয় ভাস্কর্য একসাথে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন, যদি এর ঐতিহ্য অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে ব্রিটিশদের জন্য। পুরা ডান্স হল থা উনকা, পহলে কে টাইম মে পার্টি হ্যায়, ফাংশন হ্যায়, বার্থডে হো টাইম বগরা হ্যায়, তো ইয়াহ বিচ মে ডান্স হোতা থা। ডান্স জব হোতা থা তো ইয়ে ছত্রি বানা, 1, 2, 3, 4 রাজাও কে বেঠনে কা হোতা থা পুরা। লেকিন জো বেগম হোতা থা না ওয়াইফ, वो स्मॉल खिड़की में बैठता था, छोटा विंडो जो बना है दिख रहा है उसमें क्या है, फेस उनका छुपा रहता था, पूरा फेस ओपन नहीं रहता था। बड़ा बड़ा खिड़की में ना VIP गेस्ट और उनके सिक्योरिटी गार्ड कौन होते थे, यहाँ पर लेडीज रहती थी, सिक्योरिटी गार्ड मेल नहीं होते थे, किन्नर होते थे, ट्रांसजेंडर सिक्योरिटी के लिए खड़े होते थे। जब नीचे डांस होता था ना, ये वाला हॉल और ये वाला हॉल दोनों तरफ ऑर्केस्ट्रा रहता था, मतलब वहाँ ढोल नगाड़े बजाए, यहाँ म्यूजिक सिंगिंग, तो यहाँ म्यूजिक सिंगिंग, नीचे डांस, ऊपर देखते थे इवनिंग में नाइट में बैठकर। तो ये डांस हॉल है। ये पूरा महल लाल पत्थर से इसलिए बना है, लाल पत्थर का बिल्डिंग अंदर से ठंडा रहता है। दूसरा बात, लाल पत्थर को पानी में डिप कर देंगे ना तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें जो वर्क है वो इजीली हो जाता है। पहले काम हाथों से होता था, मशीन नहीं होता था, सारा हैंडमेड है। 95 ईयर फोर्ट को बनने में लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये हाथों से काम होता था, इसलिए दिख रहा है आपको कितना बारीक काम है, सब हाथों का किया है।
जितना भी कारीगर रहता था राजा मानसिंह जयपुर से भेजता था, क्योंकि राजस्थानी स्टाइल में बनाए। राजस्थानी स्टाइल में क्यों बनाए? क्योंकि जहांगीर का बेगम दो था, एक मुस्लिम नूरजहां, दूसरा हिंदू मानबाई। मानबाई हिंदू यहाँ रहते थे, इसलिए इस महल को राजस्थानी स्टाइल में बनाया पूरा। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, देखो यहाँ फोटो लेना है ले लो, फिर आगे हम चलेंगे समर विंटर पैलेस दिखाऊंगा, गर्मी में कैसे यूज करते थे, रूम को ठंडा करते थे। फिर आगे दिखाऊंगा शाहजहां का पैलेस मुमताज का, फिर आगे शाहजहां का बंदीगढ़ जहाँ उनको बंदी बनाया, फिर आगे दीवाने खास कैबिनेट मीटिंग हॉल, फिर आगे दीवाने आम। তারপরে আমরা আগ্রা ফোর্টের আরো কিছু সৌন্দর্য ভাস্কর্য আমরা দেখে নিলাম, দেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম তার ভিতর দিকে। চলো 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 আমি সবাইকে নিয়ে যাচ্ছি। और लास्ट का तीन, ये रूम का जो दीवार है ना, दीवार बीच में फाका है, फाका है। फाका क्यों है? गर्मी के टाइम में कूलर नहीं होता था, पंखा नहीं होता, एसी नहीं होता था। रूम को ठंडा करने के लिए पहले पानी का जो वर्कर होते थे ना, बिस्ती लेदर बैग रखते थे। पीछे नदी है, नदी से वाटर लेके आते थे लेदर बैग में, क्योंकि नदी का वाटर ठंडा होता था बिकॉज पहले गर्मी कम था। तो ये ऊपर में ना गोल वाला टैंक बनाया पानी का, जो लेदर बैग का वाटर है वो टैंक में भरता था। टैंक का वाटर वॉल के अंदर आता था बिकॉज वॉल के बीच में गैप है। रात में पूरा वॉल में पानी भरते थे, सुबह तक रूम ठंडा रहता था। नेचुरल एसी, इसमें लाइम स्टोन है, ब्रिक्स नहीं है। ब्रिक्स वाटर से खराब होता है, लाइम स्टोन वाटर को एक्सेप्ट करता है तो ठंडा रहता है। समझ आया? मटके में पानी भरते है ना, पूरा ठंडा रहता है, ऐसे ही रूम को यूज करते थे। ये समर पैलेस है मुगल डैम का एसी रूम। आगे मैं आपको दिखाऊंगा शाहजहां का पैलेस और यहाँ से ताजमहल और नदी। आओ चलो चलो चलो। আগ্রা ফোর্টের এই কক্ষটা সত্যি ভারী অদ্ভুত। যেহেতু দেয়ালের মাঝখানে ফাঁকা আছে, অন্য দিক দিয়ে কেউ যদি কোনো কথা বলে দেওয়ালে কান রাখলে কিন্তু সেই কথাটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এই কথা আমরা যখনই গাইডের থেকে শুনলাম, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু পরখ করে দেখে নিতে চাইলাম সত্যি সে সঠিক কথা বলছে কিনা। এবং সেটি দেখার জন্য আমার সমস্ত স্টুডেন্টরা কিন্তু একে অপরকে কথা বলছিল এবং দেয়ালে কান রেখে সবাই সেটা শুনছিল, এবং আমিও তার ব্যতিক্রম হলাম না। সাথে সাথে দেয়ালে কান রাখলাম, অপোজিট দিক থেকে আমাদের একটা স্টুডেন্ট, সে একটা কথা বললো এবং কান পেতে আমি সেটা শুনতেও পেলাম, বেশ ভালো লাগলো। কিন্তু ও যথেষ্ট দূর থেকে, ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন পেছন দিকে, সেখান থেকে ও কথা বলছে আর আমি এখানে কান দিয়ে কিন্তু সেই কথাটা শুনতে পারলাম। সত্যি ভারী অদ্ভুত, মুঘল আর ভারতীয় সংস্কৃতি যে এত সুন্দর ভাস্কর্য তৈরি করতে পেরেছিল তা সত্যি অকল্পনীয়। पहले वो लोग दरवाजे नहीं लगाता था, बांस की लकड़ी का पर्दा होता है ना चिक, वो लगाते था। वो काला काला रिंग लगा है, ब्लैक रिंग, गोल 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 दिख रहा है, वो पर्दा लगाने के लिए। शाहजहां मुमताज के पास ना दो बेटी था, बेटी का नाम जहानारा रोशनारा। दोनों ने शादी नहीं किया क्योंकि इंडिया में इनके बराबर का मुगल राजा कोई नहीं था। तो शाहजहां ने अपने डॉटर्स का जो पैलेस बनाया ना, उनको डिजाइन दिया डोली। डोली समझता है आप? पलकी बनाया, पलकी वाला दिख रहा है। एक आगे जहानारा का, वो बड़ा बेटी था, ये रोशनारा का। 21 में मुमताज का शादी हुआ, लेकिन शादी के 18 साल बाद मर गया डिलीवरी के टाइम। और लास्ट की जो बेटी थी ना रोशनारा, इसका जन्म हुआ। मुमताज का एज 39 में 14 किड्स को बॉर्न किया, और 14 में से 8 मर गया, बचा कितना? 6 में दो लड़की था, जहानारा रोशनारा, 4 लड़का, दारशिको, मुराद, पूजा, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने तीनों भाई को लड़ाई में मार दिया राजा बनने के लिए, शाहजहां को बंदी बनाया। आगे शाहजहां का बंदीगर बाद में दिखाऊंगा। ये डोली है शाहजहां मुमताज का बेटी का, वो शाहजहां मुमताज का पैलेस खास महल, उधर में बड़ी बेटी का डोली। और देखो सब लोग, ये सामने आर्च दिख रहा है आपको, थोड़ा सुनो और दादा, ये आर्च दिख रहा है, आर्च, ये आर्च यहाँ से बिल्कुल बंद है, इसके अंदर एक विंडो है क्रॉस वेंटिलेशन, लेकिन अंदर जाके देखेंगे खुला दिखेगा। जाओ देख कर आओ सब लोग। ভিতর থেকে দেখবো খোলা, কিন্তু ওপর দিয়ে বন্ধ। ওই দোকান দেখ, খোলাই যাই 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 যাই, স্লোপ করা, ওদিক দিয়ে মনে হচ্ছে না আটকানো, আর এখান থেকে মনে হচ্ছে খোলা, বুঝতে পেরেছো? আরে স্লোপ করা, ওদিক দিয়ে তো মনেই হবে আটকানো, ওই একই রকম, আর এদিক থেকে মনে হচ্ছে আটকানো, এই এদিক থেকে মনে হচ্ছে আটকানো, তো ওদিকে গিয়ে দেখো জানলা দেখা যাচ্ছে, মানে স্লোপ করা, স্লোপ করা, এই যেখান থেকে দেখো মনে হচ্ছে আটকানো, দেখো স্লোপ করা। এই ভাস্কর্য দেখে আমরা এগিয়ে চললাম আরেকটু সামনের দিকে।
এখানকার ভাস্কর্যগুলো সবই শ্বেতপাথরের করা, অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টিনন্দন। আর এই যে জায়গাটা থেকে দূরে সবাই ফটো তুলছে, এখান থেকে আমি এই ক্যামেরায় পরিষ্কার দেখাতে পারছি না, দূরে কিন্তু তাজমহল দেখা যাচ্ছে। চলুন সেই তাজমহলটা আমরা সবাই মিলে একটু দর্শন করি, বেশ সুন্দর লাগছে। এবং এই জায়গা নিয়ে আরও কিছু কথা আমরা শুনে নেব গাইডের মুখে। ये नदी है, देखो आपके लोग चुप नहीं होते। ए, आस्ते, तो आस्ते। देखो वो नदी दिख रहा है, मुगल टाइम में ना 500 साल पहले 400 साल पहले नदी यहाँ आता था, रोड में था। यहाँ पे ट्रीज नहीं था, रोड नहीं था, गार्डन नहीं था। किला के चारों तरफ में ना दो पारीखा बनाया, आप लोग खाई को पारीखा बोलते हैं, खाल खाल वाला पारीखा है। इसमें पानी भरता था, पानी के अंदर 500 से ज्यादा मगरमच्छ पालते थे कुमीर। और यहाँ पर ये पूरा जंगल वाला खाई है पारीखा, इधर में शेर पालते थे, तो बाहर से कोई अंदर नहीं आता था एनिमी, समझ आया? ये नदी का नाम क्या? जमुना। वृंदावन तो ना जमुना ही देख। আমরা চলে এসেছি মুমতাজ প্যালেসে। এই জায়গার এত সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম ভাস্কর্য যা আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, অপূর্ব সুন্দর। চলুন এই প্যালেস নিয়ে আরো কিছু কথা শুনে নিই আমাদের গাইডের মুখ থেকে। শাহজাহান মুমতাজ কা প্যালেস, পহলে না ফ্লোর পে গালিচা রহতা থা, গালিচা মানো? হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্পেট কার্পেট। কার্পেট কাহাঁ সে আতা থা? পার্শিয়া সে, ক্যোঁকি পার্শিয়া কা কার্পেট মোটা হোতা হ্যায়। পঞ্চ ये रिंग लगा है फोर। पुराना मूवीज में देखा है, पंखा होता था अंदर, रस्सी बाहर रहता था, रोप, सर्वेंट्स रोप को पुल करता था, फैन चलता था। पहले में लाइट नहीं था मुगल टाइम में, तो ऑयल लैंप लगाता था, पहले बड़ा बड़ा ऑयल लैंप होता था, एक ऑयल लैंप पे 15-20 कैंडल रहता था, मतलब 6 ऑयल लैंप यहाँ लगाता था। अभी ऑयल लैंप ऐसा होता है सिंगल लाइट, पहले बड़ा। वो रिंग लगा है ब्लैक वाला गोल, टूट गया दूसरा, तीसरा चौथा। रात से जब ऑयल लैंप लगता था तो ऑयल लैंप जलने से लाइट मारता था, ग्लो। मार्बल के साथ साथ ये पूरा सोना लगा होता था, ब्रिटिश आया ना जो गोल्ड होता था जलाकर निकाल लिया, तो ये मार्बल काला हो गया, ये देखो पूरा पूरा गोल्ड था। ये वो पेंटिंग है ना, इसने क्या किया पूरा खास खास ब्रिटिश टाइम में निकाल के जलाकर, तो ये मार्बल काला हो गया। सिर्फ गोल्ड ही था ना और कुछ था? गोल्ड गोल्ड। मार्बल का जो पहचान होता है वही होता है कि मार्बल में टॉर्च मारेंगे ना ग्लो करेगा ऐसा। ये देखो इधर, देखो इधर आओ, हटो भैया, उधर ना, बस यहीं रुको, यहीं यहीं देखो ना, ये मार्बल है, अभी थोड़ा थोड़ा देखना। हाँ ग्लो कुछ मार्बल ग्लो कुछ, समझ आया? सोचो दिन में ग्रो कर रहा, रात में कितना करता होगा जब। तो ये खास महल है शाहजहां मुमताज का पैलेस। आ जाओ यहाँ, बोलना नहीं है, इधर से देखना है। ये देखो মার্বেলটা গ্লো করছে, মার্বেলটা পেছান হতাই দিনের বেলা এত আলো, রাতের বেলা তার মানে আরো বেশি আলোটা পড়ছে। আমি এটা ছবি উঠানা এক্সপ্লেইন করনে কি বাদ, এক্সপ্লেইন পরে ফটো তুলে নেবে। ব্যক্তি বিতায়া থা না? হ্যাঁ। দেখো দাদা, সব লোক শুনিয়ে यहां पर देखो ये फाउंटेन लगा है ना पीछे में। हां आ जाओ दादा, ये ओरिजिनल फाउंटेन है। इसको चलाने के लिए क्या करता था, पहले लाइट नहीं था। सॉरी, ये वाइट वाला बॉल है ना, यहाँ से वहाँ तक पानी का टैंक है। ये पानी का टैंक पे पानी कौन भरता था? जो 20 लोग होते थे, 1000+, 1000 से ज़्यादा वर्कर होते थे। यहाँ से रिवर तक चैन बनाते थे, लेदर बैग में पानी भर कर लेके आते थे मैन्युअली, और टैंक में भरते थे। लेकिन टैंक ना 30 फीट ऊपर है, 30 फीट, उससे जो प्रेशर है फाउंटेन का बन जाता था अपने आप। पहले प्लास्टिक का पाइप नहीं होता था अंडरग्राउंड, बैम्बू होता है, बैम्बू का पाइपलाइन होता था कनेक्शन। और इसमें पानी आने के बाद रोज फ्लावर मिक्स करते थे, खुशबू हो जाता था पूरा, ठीक है। अब देखो ये वजह रूम बना है ना सामने में, जहांगीर का महल वहाँ बताया, लेकिन ये मुगल थे जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, इनके फेमस वाइफ 2 या 3 होते थे, लेकिन इनके पास बहुत सारे इनलीगल वाइफ होते थे जिनको बोलते थे हरम। हरम मतलब जो लड़ाई में जीत लिया, कोई राजा गिफ्ट कर गए, कोई लड़की पसंद आ गई, तो ये हरम है पूरा। एक एक राजा के पास 100 से ज़्यादा इनलीगल वाइफ रहती थी, तो ये इनकी रूम बनाया पूरा, समझ आ रहा है? देखो ये इनलीगल वाइफ का रूम है, जितना भी इनलीगल वाइफ होता था ना हरम। अरे दादा सुनो तो, उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड मेल नहीं होते थे, ट्रांसजेंडर होते थे, खड़े सिक्योरिटी के लिए। और नीचे गार्डन बना है 1, 2, 3, 4, ये 4 गार्डन है। मुगल बोलते थे 4 बाग, 4 बाग बनाया है।
लेकिन जहांगीर के टाइम में अंगूर का खेती होता था, जहांगीर को वाइन का शौक था, तो अंगूर से वाइन बनता था जहांगीर के लिए। मिट्टी कश्मीर से आता था क्योंकि यहाँ का मिट्टी से अंगूर इकट्ठा होता है। तो ये अंगूरी बाग है, वो हरम खाना है, रोज वाटर फाउंटेन, ये शाहजहां मुमताज का पैलेस, ये शाहजहां की बड़ी बेटी का पैलेस, उधर छोटी बेटी का। हाँ। और ये टावर दिख रहा है, हाँ, इसके अंदर जाएंगे, शाहजहां का बंदी घर है। अभी छवि उठा लो फिर आगे जाएंगे। एक है ना इनलीगल वाइफ ना थक, तो हम ना सेटा देखते हैं। ठीक है, एकदम हराम, एक तो पूराटाई हराम। মুঘল সাম্রাজ্যে যে রাজারা ছিলেন সেই সময় প্রত্যেকটা রাজা তাদের রাজত্বকালে কিন্তু বিশেষ কিছু ভাস্কর্য রেখে গেছে এবং সেইগুলো আমরা সবই দেখতে পাই এই আগ্রা ফোর্টে এলে। আমার সাথে এই আগ্রা ফোর্ট ঘুরতে এবং সেই সব ভাস্কর্য দেখতে আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানাবেন। চলুন দেখে নিই আরও কিছু সুন্দর ভাস্কর্য। ये महल को जहांगीर ने बनाया, जहांगीर का वाइफ नूरजहां के लिए। इस महल का नाम था नूरजहां पैलेस। बाद में जहां जहांगीर के बाद शाहजहां बड़ा हुआ, शाहजहां ने महल को चेंज कर दिया मार्बल से। मार्बल में जो वर्कर है ना, ऐसा हाफ इंच करीब गैप करके कलरफुल स्टोन को फिक्स करते थे। मतलब दूर से पेंटिंग लग रहा है, पेंटिंग नहीं है, स्टोन लगा है सारा कलरफुल। ये फूल बनाए ना, एक फूल, दो, तीन, चार, ऊपर में टावर है, तो इस बिल्डिंग को बोलते हैं जैस्मिन टावर, जैस्मिन टावर। ये जो काम है पूरा स्टोन का किया है। ये स्टोन मुगल टाइम में अलग अलग जगह से आता था, मतलब अलग अलग कंट्री से, सारा कलरफुल स्टोन लगा है। ठीक है, रात के टाइम में क्या होता है, पहले लाइट नहीं होता था, तो इसमें ये जो आर्च बना है, छोटा छोटा आर्च, इसके अंदर मिट्टी का दिया जलाते थे, उससे पूरा ये जेम्स ग्लो करता था, तो लाइट हो जाता था। शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बनाया था, तो बंदी बना के जेल में नहीं रखा था, शाहजहां को बंदी बना के इस महल में रखा, उनको नजर कैद किया। हाँ, उधर है 1658 में कैद किया था, और 1666 में शाहजहां यहाँ मर गया। लास्ट के 8 साल वो यहीं पर कैद था, और यहाँ से वो ताजमहल देखता था। लेकिन शाहजहां को बंदी बनाया, तो 75 ईयर की एज में वो मर गया। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया था, तो उसको आंखें वीक हो गया। पहले के टाइम में स्पेक्स नहीं था, तो शाहजहां की बेटी ने दीवार में शीशा लगाया, शीशे में ताजमहल का रिफ्लेक्शन देखता था। शाहजहां यहाँ बंदी था, तो हाथ पैर फ्री था यहाँ वॉक करने के लिए। कभी कभी वो ताजमहल भी जाता था, और ऊपर में एक मस्जिद है मीना, डेली एवरी डे 5 टाइम नमाज करने जाता था। नमाज करने से पहले मुस्लिम पीपल वजू करते हैं, वजू मतलब मुंह धोना, हाथ धोना, पैर धोना। ऊपर में टैंक बताया मैंने, दादा आप बाद में आए तो चुप हो जाइए, बाकी एक्सप्लेन सुनेंगे ना। ऊपर में टैंक था, यहाँ झरना बनाया, दिख रहा है आपको वाटरफॉल, वहां से पानी गिर के यहाँ से अंडरग्राउंड, बीच में स्मॉल फाउंटेन है उसमें से आता था, तो फाउंटेन से शाहजहां माउथ वॉश, हैंड वॉश करके ऊपर मॉस्क में जाता था। आगरा फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस जो है वो ये है, शाहजहां का बंदीगढ़। उनको नजर कैद किया था, इसलिए ऐसी खूबसूरत जगह पर रखा, ताकि वो ताजमहल को देख सके। सामने ताजमहल दिखता है, अंदर में शाहजहां का बंदीगढ़। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अभी हम सब लोग ना ऊपर जाएंगे दीवाने खास। এবারে আমরা এগিয়ে যাব দিওয়ানে খাসের দিকে। যেতে যেতে এই যে সিঁড়িটা পড়লো, এই সিঁড়ির এখানে যে জেলখানা মতন দেখতে পাচ্ছেন, এখানকার মানুষের কাছ থেকে শুনলাম এখান থেকে নাকি একটা সুড়ঙ্গ আছে, যে সুড়ঙ্গটা চলে যাচ্ছে সোজা তাজমহলের কাছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত স্টুডেন্টদের এবং আমাদের সাথে যারা এসছে সবাইকে আমি ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম। তারপরে আমরা ধীরে ধীরে ওপরে এগিয়ে যাব, সেখানে গিয়ে দেখব দিওয়ানে খাস। চলুন সবাই মিলে আরেকটু মুঘল সাম্রাজ্যের কিছু ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং ভাস্কর্য দেখে নি দিওয়ানে খাসে। यहाँ पे ग्रुप फोटो के लिए बोल रहे थे क्या? नहीं, दीवाने आम में, सीढ़ी दीवाने आम में। ओके, दीवान ए खास, दीवान ए मींस हॉल। साथ में आप? हाँ, हम लोग के साथ ही है। दीवान ए मींस हॉल, खास मींस स्पेशल। जो कैबिनेट मीटिंग हॉल होता था वो ये था उस टाइम का, पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा। सर्दी ज्यादा रहता था, मीटिंग अंदर करते थे, ऊपर जो रिंग लगाया ना, उधर नॉर्मल वेदर में मीटिंग बाहर होता था। और बाहर बारिश होता था ना, बारिश के टाइम में बैम्बू लगा के टेंट लगाते थे शामियाना। बैम्बू किस में लगाते थे दादा? थोड़ा साइड हुई है, वो नीचे ब्लैक रिंग लगा है। हाँ, बहुत सारा इसमें। तो ये व्हाइट सीट वजीर का था, प्राइम मिनिस्टर सीट। ओके, फ्लोर पे गालीचा होता था मिनिस्टर, और वहाँ दादा किंग जहांगीर। वो जो ब्लैक स्टोन है ना, वो मार्बल से महंगा है, 4 टाइम ब्लैक ऑनिक्स है, कोष्टी पत्थर है। वो कोष्टी पत्थर भी है सोना चक्कर नहीं का, और वो ऑनिक्स है, बेल्जियम से आया उस टाइम। शाहजहां ब्लैक, शाहजहां ने व्हाइट ताजमहल बनाया ना, उसका जो कीमत था बनाने का 3 करोड़ 20 लाख। उस टाइम में शाहजहां व्हाइट के सामने ब्लैक ताज बनाना चाहता था ये वाला स्टोन से।
चिप हो जाइए ये वाला स्टोन से। ब्लैक ताजमहल का जो खर्चा था वो 15 करोड़, अगर 15 करोड़ में ब्लैक ताजमहल बनता तो पैसा सारा खत्म हो जाता। इससे पहले शाहजहाँ को बंदी बना दिया, ब्लैक ताजमहल का काम स्टॉप कर दिया। तो ये वो पत्थर है, ऐसा होता था वन पीस में, पूरा पैर बनाया चार, पर्शियन लैंग्वेज लिखा उस पर, लिख रहा है पर्शियन, यहाँ भी पर्शियन लिखा है, ठीक है। ये बीच में पत्थर टूट गया, कैसे टूटा, 1803 में ब्रिटिश तोप का गोला चलाता था लोहे वाला नीचे से बाई बोट, क्योंकि रिवर था ना पहले पास में, तो वो तोप का गोला आके पत्थर में लगा, पत्थर बीच में टूट गया और तोप का गोला वहां से बाउंस हुआ तो मार्बल के अंदर हिट हुआ। वो कॉर्नर देखो, वो लास्ट होल दिख रहा है, पूरा क्रैक है। आयरन वॉल बिल्डिंग में लगने से ना होल करता है, ब्लास्ट नहीं करता है, तो वो कैनन बॉल का होल है। अच्छा, यहाँ से सब लोग जाके अपना ताजमहल के साथ फोटो उठाना है उठा लो, और यहाँ से ताजमहल को देखना सब लोग कितना बड़ा साइज है, क्योंकि एक बार ताजमहल वहां से दिखाऊंगा फिर बताना कैसा दिखेगा। जाओ छवि उठा लो, छवि उठा के तड़का, छवि तुलना, छवि तुलना, छवि तुलना, छवि तुलना, साइन नहीं। সবাই মিলে এই দেওয়ানে খাস থেকে কিন্তু তাজমহলকে খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করছিল। আমি চলে গেলাম ওই কষ্টি পাথরটার কাছে। এই জায়গাটা আমার তো সত্যি খুব ভালো লাগছিল, এত তীব্র রোদ দূর, কিন্তু কষ্টি পাথরে হাত দিয়ে দেখলাম টেম্পারেচার অনেকটাই কম। সত্যি এই পাথরের বিশেষত্ব অবশ্যই আছে। দূর থেকে এখন দেখছি তাজমহলকে, সত্যি দূর থেকে সাইজটা অনেকটা বড় লাগছিল, এবং দেওয়ানে খাসের যে গ্রাউন্ডটা সেটাও অনেকটা বড়। চলুন এবার আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব দিওয়ানে আমির দিকে। তার আগে যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাব সেই রাস্তার টোটাল যে ভিউটা সত্যি অপূর্ব, চলুন আপনাদের সাথে সেই ভিউটাও একটু দেখাই। প্রত্যেকেই চাইছে ক্যামেরা বন্দি করতে, কারণ আমরা তো সবসময় ইচ্ছা করলেই আসতে পারবো না, থাকি সেই কলকাতায়, সেখান থেকে দিল্লি। আর এই আগ্রা ফোর্ট ও সত্যি অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্য। ধীরে ধীরে আমরা এখন এগিয়ে যাব দিওয়ানে আমির দিকে, এবং সেখানে গিয়ে আরও কী কী সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য দেখব তারই অপেক্ষায় আছি আমরাও, আশা করছি আপনারাও সেই অপেক্ষায় রয়েছেন। চলুন সবাই মিলে আমরা এই মুঘল সাম্রাজ্যের বা আমাদের ভারতীয় এই ভাস্কর্যগুলো আরও সুন্দরভাবে উপভোগ করি। আর কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগছে। আর এই ধরনের বিভিন্ন জায়গায় আমি বছরে একবার থেকে দুবার যাই, আপনারা যদি দেখতে চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং আপনাদের সাথে সেই ভিডিওগুলো শেয়ার করব। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহ, ঔরঙ্গজেব আপনি আপনি টাইম মে ওয়া ব্যাঠতা থা আর ও খিড়কি বানা এক আর এক দো উনকা বেগম। আচ্ছা, নিচে হোয়াইট সিট ওয়াজির কে লিয়ে থা। আচ্ছা, ইয়াহ ফ্লোর পে গালিচা হোতা থা, হ্যাঁ ও নিচে কমন অডিয়েন্স। পহলে কে টাইম মে মাইক মাইক লাউড স্পিকার নাহি হোতা থা, তো আওয়াজ কেসে জাতা থা, পাবলিক সাইলেন্ট হোতা থা। राजा कुछ भी एक्सप्लेन करते थे उनका वॉइस बाहर, क्यों, क्योंकि आगरा फोर्ट का सबसे बड़ा प्लेस है ये, 64 पिलर है, हाइट 25 फीट है, इससे जो हमारा साउंड है वो रिसाउंड होता है। अकबर ने दीवाने आम को लाल पत्थर से बनाया, लेकिन शाहजहाँ मार्बल को लाइक करता था तो बालकनी को मार्बल से चेंज कर दिया, और ये प्लास्टर ऑफ पैरिस किया है एएसआई ने, पहले ये रेड था, अभी अपने टाइम में प्लास्टर ऑफ पैरिस किया है। ये कोर्ट था दरबार उस टाइम का, बालकनी में शाहजहाँ के बैठने का एक थ्रोन था, मयूर सिंहासन, नाम सुना है, थ्रोन तकते था, तकते था, यहाँ था। औरंगजेब ने यहाँ से उठाकर रख दिया दिल्ली, दिल्ली से नादिरशाह लेके गया 1739 में ईरान। क्यों लेके गया, क्योंकि पिकॉक थ्रोन बहुत महंगा था, 1,00,000 तोला सोना लगा था उसमें, 10,000 kg हीरा था कोहिनूर, हजारों जैम्स डायमंड फिक्स थे, लेकिन नादिरशाह लेके जाने के बाद उसने मेल्ट करके रख लिया। डायमंड अभी ब्रिटिश के पास है इंग्लैंड में, मालूम। आगरा फोर्ट जो विजिट करते हैं टूरिस्ट 25% करते हैं, ये दीवार के पीछे 75% है इंडियन आर्मी का। अच्छा, हाँ, पूरा आर्मी रहता है यहाँ पर, मुगल टाइम में आर्मी, ब्रिटिश टाइम आर्मी, इंडियन टाइम आर्मी। ग्रुप फोटो लेना है, यहाँ बहुत सारा सीढ़ी बना है और उधर सीढ़ी बना है, ठीक है, ये ठीक, पूरा ग्रुप आपका आ जाएगा, ग्रुप फोटो हमें एक এই এখানে একটা গ্রুপ ফটো হবে, সবাই চলো গ্রুপ ফটোটা তুলে নি, এই সিঁড়ির কাছে এখানে একটা তুলে নি, এখানে তুলে নি। এই জায়গায় আমরা সবাই মিলে একটি গ্রুপ ফটো তুলে নিলাম, বেড়াতে এসে গ্রুপ ফটোই তো আমাদের কাছে এক চিরস্থায়ী স্মৃতি। আগ্রা ফোর্টের যে কটা জায়গা ঘুরলাম, আমার ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু এই দিওয়ানি আমটা খুব ভালো লাগলো, এত উঁচু উঁচু পিলার, সেখানে এত সুন্দর ভাস্কর্য, ফাঁকা এক জায়গা, লম্বা বারান্দা, আমার তো খুব প্রিয়। এবং আমার যারা দর্শক অর্থাৎ আপনারা, আপনাদের আগ্রা ফোর্টের কোন জায়গাটা সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন, এই অলিপসি চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এই অলিপসি চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন, অবশ্যই ফেসবুকের আমার এই পেজটি অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখবেন,
যাতে আপনাদের এই ধরনের ভ্রমণের ভিডিও আরও তাড়াতাড়ি আমার পেজে নিয়ে আসতে পারি এবং তার প্রথম দর্শক আপনারা হতে পারেন। অবশেষে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম হোটেলের দিকে। এখানেই আমাদের আগ্রা ফোর্টের যে টোটাল সাইট সিন সেটা কমপ্লিট হচ্ছে। দুপুর হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা ফিরে যাব হোটেলে, তারপরে বিকেলে যাব তাজমহল। খুব তাড়াতাড়ি আসছে তাজমহলের ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।